नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। महाराष्ट्र में भारी बारिश, पुल गिरा, वाहन बहे। मुंबई गोवा राजमार्ग पर स्थित महाड़ में कल देर रात एक पुल गिर जाने से कई वाहनों के कोकण इलाके की सावित्री नदी में बह जाने की आशंका है। इस घटना के बाद से यातायात बाधित हो गया है। रायगढ़ जिलाधिकारी शीतल उगाले ने बताया कि दो बसें लापता है और कुछ अन्य वाहन बह जाने की आशंका है। अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान बाधित हो गए थे। आज सुबह बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। बचाव कार्य और तात्कालिक उपायों के लिए प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि वहां दो समांतर पुल थे। इनमें से एक पुल नया था जबकि दूसरा अंग्रेजों के जमाने का था। पुराना वाला पुल गिर गया। दक्षिण चीन सागर पर बवाल, चीन ने जनयुद्ध की अपील की। विवादित दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन ने समुद्र में जनयुद्ध के लिए तैयारियों की अपील की ताकि समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला किया जा सके। वहीं इसकी शीर्ष अदालत ने विदेशियों को चेतावनी दी है कि इस देश के समुद्री अधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोग आपराधिक कार्यों के जिम्मेदार होंगे। सरकारी समाचार एजेंसी शुहन्ना के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री जनरल चोंग वान क्वान ने समुद्री खतरों की चेतावनी दी और संप्रभुता की हिफाजत के लिए जनयुद्ध के लिए ठोस तैयारियों की अपील की। चांग ने कहा कि सेना, पुलिस और लोगों को राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए लामबंद होने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी सेना हमेशा तैयार खड़ी रहेगी और लड़ने व जीतने में सक्षम होगी। वाराणसी में सोनिया बीमार, विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। बीमार पड़ जाने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की अपनी यात्रा बीच में ही स्थगित कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार देर रात दिल्ली लौट आई और उन्हें सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल ले जाया गया। सोनिया गांधी आधी रात को चार्टर्ड उड़ान से यहां पहुंची। उससे पहले उन्हें तबीयत खराब हो जाने के कारण वाराणसी में 8 किलोमीटर का रोड शो छोड़ना पड़ा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। उससे पहले वाराणसी में उन्हें निर्जलीकरण हुआ और उन्हें बुखार था। वाराणसी में सोनिया का इलाज किया गया और वहां उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टर दिल्ली आने के दौरान विमान में उनके साथ ही रहे।